और गरियाबंद में गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। फिंगेश्वर में कई स्थानों पर स्थापित गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। गणेश उत्सव समिति के युवाओं द्वारा बाजा गाजा और आकर्षक झांकी के साथ शोभा यात्रा निकालकर अंतिम विदाई दी। गणेश चतुर्थी को लेकर देखिए किस तरह उत्साह है और 11 दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद गणेश जी की प्रतिमा को आज नम आंखों से विदाई देकर उसका विसर्जन किया जा रहा है और युवाओं में देख सकते किस तरह उत्साह है। जेसीबी की मदद ली जा रही है, मूर्ति काफी ज्यादा वजन है तो यहाँ पर जो है नदी में विसर्जन किया जा रहा है जेसीबी की मदद से। लोगों से बात करेंगे, आज अंतिम विदाई दी गई नम आंखों से, किस तरह पूजा पाठ किया और कैसे मनाया गणेश। हम लोग बड़े सद्भावना से गणेश भगवान को 11 दिन तक बैठाए थे और बड़े ही आराम से यहाँ विसर्जन किए हैं, धूमधाम से एकदम विसर्जन किए हैं, एकदम धूमधाम से गणेश जी को विसर्जन किए हैं और शासन के देखते हुए उनका पालन भी किए हैं और अच्छा अर्थव्यवस्था भी बढ़िया था और सुरक्षा था, बहुत अच्छा लगा। जेसीबी मंगाया गया? हाँ मंगाया गया था, जेसीबी मंगाया। बस थोड़ा सा बस लाइट का थोड़ा कमी हो गया यहाँ पास, बाकी सब दिक्कत कोई दिक्कत। 11 दिनों से हम बिल्कुल श्रद्धा भक्ति पूर्वक नियमता जैसे नियम अनुसार हम 11 दिन से पूजा करते हैं बिल्कुल वैसे ही पूजा किए। उनके साथ साथ नम आंखों से खुशी के साथ हम बप्पा का विसर्जन किए बिल्कुल बरोबर से। क्या कहते हुए विसर्जन किए गणपति बप्पा? अब अगले बरस की तैयारी में ये युवा जुट चुके हैं और देखिए जयकारों से पूरा ये जयकारों के साथ गणपति जी का प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया और बड़े ही धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी मनाया गया और नम आंखों से गणपति जी को विदाई दी गई और गणेश की प्रतिमाओं को आज विसर्जित किया गया है। और कल 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर इंदौर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति